आज की वीडियो की शुरुआत दोस्तों मैंने इस धुन से इसलिए की है कि ऐसा हो सकता है कि आज की वीडियो देखने के बाद कुछ लोगों का दिल टूट जाए। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों का दिल टूट जाए। पर मैं आपको बता दूं फ्रेंड, अगर आपका दिल टूट जाए तो उसके बाद आप मुझे पर्सनली कमेंट कर सकते हो, तो दिल जोड़ने के ऊपर भी मैं वीडियो एक जरूर बनाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आज की वीडियो थोड़ी सैड हो सकती है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कुछ इशारे ऐसे बताने वाला हूँ जिसके चलते ना मेरे काफ़ी दोस्तों काफ़ी भाइयों ने धोखा खा लिया। मतलब कि उनको ऐसा लगता है कि भाई मेरे लव एडवाइस, मैंने आपकी सारी वीडियो देखी, कुछ इशारे मैच भी, और जब मैंने उसे प्रपोज किया ना तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया, उसने रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसा क्यों किया? तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसे साइन बताने वाला हूं। अगर दोस्तों ये साइन अगर आपको लड़की देती है तो जी हाँ दोस्तों, वो लड़की आपको लाइक नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। तो दोस्तों इसीलिए इस वीडियो को बहुत एंड तक आपको इंपॉर्टेंट तरीके से देखनी है, क्योंकि आज के पॉइंट आपको बहुत ही महत्व रहने वाला है। कभी आपको धोखा नहीं खाने वाले में, क्योंकि देखो फ्रेंड, इसे धोखा खाने के बाद हमारे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचती है कि हम नेक्स्ट कभी एक लेवल पर पहुँच सके या फिर कहा जाए तो किसी और लड़की को हम देख सके। तो इसलिए फ्रेंड इस वीडियो को एंड तक वॉच जरूर करिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हो ना तो प्लीज़ सर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, दबाइए नोटिफिकेशन बेल को, वीडियो कर दीजिए लाइक अगर आपको एंड तक देखने में अच्छी लगती है, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ बिना कोई टाइम पास किए। चलिए शुरू ही कर डालते हैं आज की वीडियो को। तो यार पहले शुरुआत करेंगे आप ही लोगों के पॉइंट से, जो कि काफ़ी अधिकतर मेरे बॉयज़ लोग मुझसे पूछते हैं, मतलब कि कहा जाए तो मेरे भाई लोग मुझसे अधिकतर पूछे जाते हैं कि भाई जब भी मैं उस लड़की के सामने जाता हूँ तो वो लड़की चली जाती है, पर ये नहीं पता कि शर्मा के जाती है कि क्या चीज़ जाती है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर लड़की नहीं शर्मा रही है, जब भी आप उसके पास जाते हो वो चली जाती है वहाँ से, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार कर रही है, इसका मतलब ये है कि वो आपको इग्नोर कर रही है। अब आपको क्यों कर रही है बात, तो ये आपको खुद ही पता लगाना पड़ेगी, या तो कोई आपने ऐसी बैड हैबिट दिखाया या फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज में कुछ उसने ऐसा नोटिस किया जिसके चलते आप उसे पसंद नहीं हो। तो प्लीज़ दोस्तों ये बात को जरूर ध्यान दें कि क्या वो लड़की वहाँ पे 2 से 3 सेकंड खड़ी रहकर शर्मा के जाती है, या फिर जैसे ही आप जाते हो तो वो तुरंत चली जाती है। फ्रेंड ये चीज़ आपको नोटिस करना है, क्योंकि देखो ये बहुत ही अधिकतर होता है, बट आप नोटिस नहीं करते, आपको ऐसा लगता है कि वही शर्मा के निकल रही है, चलो उसे प्रपोज कर देते हैं, और वो मना कर देती है और आपका दिल टूट जाता है। तो फ्रेंड ये गलती आपको नहीं करनी है। दूसरी बात, आप हमेशा मुझे बोलते हो कि भाई मेरे जब भी मैं लड़की से बात करता हूँ या फिर कहा जाए तो मैं बात शुरुआत करता हूँ तो मैं ही बात करता हूँ, वो लड़की बस सुनती रहती है, हाँ, उसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, फिर कहा जाए तो उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि मैं उससे क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। और अगर बीच में मैं कोई क्वेश्चन भी बोल दूँ ना उसे कि तुमने बताओ ये बात मैंने सुनी, तो बताओ मैंने कहीं क्या कहा, तो वो जवाब नहीं दे पाती है। तो इसका भी मतलब साफ साफ ये होता है फ्रेंड कि वो आप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, इसमें आप अपने ही टाइम वेस्ट कर रहे हो, इससे बढ़िया कि आप कहीं और अपने ट्रायल लीजिए, तो वहाँ आपका काम 90 नहीं 100% बन जाएगा भाई मेरे। तीसरी बात जो कि आप लोगों को अपने दिमाग में डाल लेनी है कि आपको मशीन बिल्कुल भी नहीं बनना है, क्योंकि देखो यार ये भी चीज़ मैंने बहुत से नोटिस किया है कि कोई लड़की आपसे प्यार करने का नाटक करती है, मतलब कि जब उसको जरूरत पड़ती है तभी वो आपके पास आती है। ऐसा हो सकता है कि इस वीडियो को अगर लड़की देखेगी तो उसको थोड़ा बुरा लग जाए, पर मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, कुछ लड़कियों का ऐसा नेचर होता है करना कि वो चाहती है बॉयज से काम निकलवाना, मतलब कि वो आपके पास आएगी, आपसे बातें भी करेगी, बट कभी वैसा प्यार नहीं करेगी जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो उससे, मतलब कि कहा जाए तो उसको जब भी जरूरत पड़ेगा ना तो वो जरूरत पूरी करने के लिए आपके पास आएगी, तुझे पता है मेरे को इस चीज़ की हेल्प चाहिए तो कर देना है, और जैसे ही वो हेल्प हुआ गोली, मतलब कि कहा जाए तो उसके बाद तो आपको नोटिस ही नहीं करेगी, ऐसा करेगी जैसे आप उस दुनिया में हो ही नहीं, ऐसा करेगी जैसे आप उस क्लास में नहीं हो, कुछ उस ऑफिस में नहीं हो, या फिर कहा जाए तो उस मोहल्ले में नहीं हो, एकदम इग्नोर सा मार देगी। तो भाई मेरे साथ मतलब यही होता है कि वो लड़की आपसे प्यार नहीं कर रही, वो आपसे टाइम पास कर रही है। तो यार मुझे पता है शायद आपको ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा दुख होगा, बट आप देखिए दोस्तों सच कड़वा होता है, उसको सुनने की हिम्मत रखिए अपने अंदर। इस वीडियो को एंड तक वॉच करने के बाद कुछ मेरे दोस्तों को ऐसा लगता होगा, तो क्या भाई इसका मतलब साफ साफ ये है कि हम उसके प्यार के लायक नहीं है? तो जी नहीं दोस्तों, आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए, दरअसल वो आपका प्यार देख ही नहीं पा रही है, मतलब कि कहा जाए तो आप उसके लिए चाहे कुछ भी कर दो ना तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका दिल आपके लिए धड़कता ही नहीं है, वो ऐसा सोचती है कि शायद हमें इससे भी ज़्यादा बेटर मिलेगा राजकुमार। तो फ्रेंड कुछ इस तरह की उनकी सोच है, अगर उनके लिए आप अपने अंदर कुछ डेवलप भी कर लेते हो ना, जैसे कि लुक डेवलप करते हो, बॉडी लैंग्वेज डेवलप करते हो, तो भी वो आपको भाव नहीं देने वाली, जानते हो क्यों? क्योंकि उनका 10 जमाने पे आसमान पे पहुंच चुका है दिमाग। तो फ्रेंड इस तरीके से मैं बताना चाहता हूं कि आप उसके लिए अपना दिल ना धड़काइए, ना टाइम पास करिए, जब आप भी उसको भाव नहीं दोगे ना, जब आप भी उसको नहीं दोगे सही से लाइन, तो ऑटोमेटिकली लड़की सोचेगी यार कल तक तो मेरे पीछे पागल था, आज इसको क्या हो गया है। तो शायद ऐसा हो सकता है उस चक्कर में आपसे वो सॉरी बोल दे, तब आपको उसे एक्सेप्ट कर लेना है भाई मेरे, तो भी आपका काम बन जाएगा। एंड आप चाहोगे कि इस बात को सुधारा कैसे जाए, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना सकता हूँ। एंड आप मुझे ये भी बता सकते हो कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा हर्ट कर गया, आ जाए तो कौन सा पॉइंट आपको ऐसा लगा कि हाँ थोड़ा बहुत मैच करता है, तो आप मुझे ये भी बता सकते हो। अगर पार्ट 2 चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो यार। अगर आपको वीडियो देखने में अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पर आया हो ना सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भाइयों दिल से रिक्वेस्ट यार कर दो।
नोटिफिकेशन भी बेल को ऑन कर ही देना यार। चलिए मिलते हैं अगली बार प्यारी सी वीडियो के लिए। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।